सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम टेक फ्रेंड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी वी 15 मोबाइल के बारे में। दोस्तों, रियलमी वी 15 मोबाइल जो है कुछ ही दिन बाद जो है इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, इस मोबाइल की मार्केट प्राइस के बारे में बात करो तो आपको करीब 20,000 के बीच में आपको दिखने को मिलेगा ये स्मार्टफोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रियलमी वी 15 स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करेंगे पोको X2 मोबाइल के बीच में। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर भी तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बज देना। सो दोस्तों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक, जो कि पोको X2 मोबाइल में आपको मिलेगा ग्लास बॉडी, जो कि दोस्तों बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको डेफिनेटली बेटर मिलेगा पोको X2 मोबाइल में। और दोस्तों, डिस्प्ले टाइप एंड साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो कि दोस्तों पोको X2 मोबाइल में आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो कि दोस्तों यहां पर आपको पोको X2 मोबाइल में मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि पोको X2 मोबाइल में दोस्तों आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, और रियलमी वी 15 मोबाइल में भी आपको दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों, डिस्प्ले की क्वालिटी आपको थोड़ा आपको बेटर मिलेगा रियलमी वी 15 मोबाइल में, जो कि डिस्प्ले साइज आपको बड़ा मिलेगा पोको X2 मोबाइल में। ओके दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में आपको एक न्यू चिपसेट के साथ दिखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको रियलमी स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U को आपको चिपसेट के साथ मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और दोस्तों, ऑक्टाकोर 2.4 GHz में क्लॉक्ड है। इस मोबाइल में दोस्तों आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों इस मोबाइल में आपको माली G57 MC3 का आपको GPU के साथ आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा इस मोबाइल में। और दोस्तों, पोको X2 मोबाइल के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का आपको चिपसेट के साथ मिलेगा, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ऑक्टाकोर 2.2 GHz में क्लॉक्ड है। और दोस्तों, इस मोबाइल में आपको एड्रीनो 618 GPU के साथ आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों एंड्रॉइड 10 का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। इस मोबाइल में भी आपको गेमिंग प्रोसेसर नो डाउट दोस्तों आपको बहुत ही बेहतर आपको दिखने को मिलेगा। गेमिंग के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में, मेरे ख्याल से आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की। तो पहले आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में आपको मिलेगा 6GB रैम के साथ दोस्तों आपको 128GB स्टोरेज, और आपको 8GB रैम के साथ मिलेगा दोस्तों 128GB स्टोरेज, जो कि पोको X2 मोबाइल में दोस्तों आपको मिलेगा 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज, और एक आपको 6GB रैम के साथ मिलेगा 128GB स्टोरेज, और आपको 8GB रैम के साथ दोस्तों आपको मिलेगा 256GB तक स्टोरेज इस मोबाइल में। ओके दोस्तों, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरे के साथ मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको प्राइमरी कैमरा 64 MP और अल्ट्रा वाइड आपको 8 MP का मिलेगा, जो कि 2 MP दोस्तों आपको डेप्थ सेंसर के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों इस मोबाइल में कंपनी ने 16 MP का सेल्फी कैमरे के साथ दिया है। और दोस्तों, इस मोबाइल में मेरे ख्याल से आपको रियर कैमरा आपको ठीक ठाक आपको दिखने को मिल ही जाएगा, जो कि पोको X2 मोबाइल में दोस्तों आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको 64 MP का आपको प्राइमरी कैमरा और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर और 2 MP का आपको माइक्रो कैमरे के साथ मिलेगा, जो कि सेल्फी कैमरा आपको 20+2 MP का आपको डुअल सेल्फी कैमरे के साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में बात करें तो आपको पोको X2 मोबाइल में आपको बैटरी मिलेगा रियलमी वी 15 मोबाइल से। ओके दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको रियलमी वी 15 मोबाइल में आपको मिलेगा 4310 mAh का बैटरी, जो कि दोस्तों इस मोबाइल में कंपनी ने 50W का फास्ट चार्जर दिया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा आपको बैटरी क्वालिटी के साथ आपको बहुत ही फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी दिया है रियलमी वी 15 मोबाइल में। और पोको X2 मोबाइल में दोस्तों आपको मिलेगा 4500 mAh का बैटरी, जो कि 27W फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी क्वालिटी पोको X2 मोबाइल में भी आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा, जो कि बैटरी जो चार्जिंग स्पीड है आपको पोको X2 मोबाइल से आपको बहुत ही फास्ट दिखने को मिलेगा रियलमी वी 15 मोबाइल में। ओके दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की मार्केट प्राइस की। तो दोस्तों, यहां पर आपको रियलमी वी 15 मोबाइल आपको अंडर 20,000 में मिलेगा, जो कि दोस्तों पोको X2 मोबाइल आपको बहुत ही आपको कम मार्केट प्राइस में मिलेगा, जो कि आपको 15999 में आपको मिलेगा करीब 16,000 के बीच में।
तो दोस्तों मुझे कॉमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मॉडल का फीचर सबको ज़्यादा बेटर लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का चलाना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।